Yes. Very good evening, everyone. Welcome to the 24/7. मैं दक्षा है, इसमें आप लोगों के साथ जुड़ गई हूँ IBPS AFO के most expected entomology के MCQs को लेकर. I hope आप लोगों की preparation बहुत अच्छी चल रही होगी. MCQs भी आप कंटिन्यू कर रहे होंगे और रिविजन भी कर रहे होंगे, परेशान नहीं होंगे, स्ट्रेस नहीं ले रहे होंगे, फ्री होकर के प्रिपरेशन कर रहे होंगे आई होप. और आप लोगों को वैसे ही प्रिपरेशन करनी है बिल्कुल. ओके, सो आज का जो सेशन है उसको फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं. आज जो आपके क्वेश्चंस हैं, मैंने एक चीज जो गौर की, आप ETL से आपके कुछ क्वेश्चंस छूट रहे थे. ओके, चाहे वो आपके कॉटन के पेस्ट हो या किसी दूसरे क्रॉप के, वो थोड़ा ETL से हमें जो भी है हमारे उनको थोड़ा सा देख लेना है. और ऑर्डर और साइंटिफिक नेम के बारे में तो मैंने आप लोगों से बार बार डिस्कस किया है कि भाई ऑर्डर और साइंटिफिक नेम बिल्कुल भी मत भूलना. ओके, तो थोड़ा सा क्वेश्चन आज उससे देख लेते हैं और अदर क्वेश्चन भी आज इंक्लूड हैं. तो चलो फटाफट से जो है आज के जो सेशन है उसको फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं. ओके, हेलो पूनम. चलो तो आज का जो आपका क्वेश्चन है, ETL ऑफ द बॉल वार्मिंग कॉटन. ओके, ETL आप लोगों को पता है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल जिसे कहते हैं. यानी अगर ETL की अगर बात करें तो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल की बात करें तो आपको क्या करना है, यहाँ से फिर कंट्रोल शुरू कर देना है. तो आपको बताना है कि कितना आप पाओगे, कितना परसेंट देखने को आपको मिलेगा कि आप उसके बाद से कंट्रोल शुरू कर दोगे अपने कॉटन के प्लांट पे. ठीक है, 5% शूट या बॉल्स डैमेज्ड. ओके, 10% शूट्स या बॉल डैमेज, या 15% या 20%. ये 205 नहीं है, ये 20% है. राइट, आई एम गुड पूनम, आप बताओ कैसे हो. ठीक है, ETL की बात हो रही है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल की. मैंने ये रिमाइंड कराने की कोशिश की है कि आप लोग इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना है ना. और जो है इससे रिलेटेड जो आपके स्पेसिफिक क्रॉप के जो पेस्ट हो रहे हैं उनके जो है ETL को भी ध्यान में आपको रखना है. ओके, सो बता दो फटाफट से कि बॉलवर्म के केस में जो है कितना आप देखोगे परसेंट ETL, इससे आप फिर अपना कंट्रोल शुरू कर दोगे. ओके, 5%, 10%, 15% या 20%. तो देखो होता क्या है बॉलवर्म के केस में कि 10% शूट या बॉल आपके डैमेज देखने को अगर मिलेंगे तो आप क्या करोगे, आप अपने प्लांट का कंट्रोल शुरू कर दोगे. यानी बॉलवर्म के लिए ETL कितना है, 10% शूट या बॉल्स डैमेज्ड अगर इन्होंने कर रखा है तो आप बिल्कुल इत्मीनान नहीं बैठना है, आप फटाफट से अपने क्रॉप के कंट्रोल में लग जाओगे. राइट, सो ये हो गया आपका ETL ऑफ द बॉलवर्म इन द केस ऑफ कॉटन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेचुरल एनिमीज ऑफ कॉटन पेस्ट इज. आपको बताना है कॉटन पेस्ट का नेचुरल एनिमी कौन सा है. ओके, क्राइजोपर्ला कार्निया है या ट्राइकोग्रामा स्पेशीज है या बोथ ऑफ दिस है. नेचुरल एनिमी की बात हो रही है कॉटन पेस्ट के केस में. ठीक है, ये जो है ना आपके बहुत इम्पोर्टेंट जो है ये आपके क्वेश्चन है, इनको कोशिश करो कि गलती से भी जो है गलत नहीं करना है अगर एग्जाम में आए तो. और भूलना तो बिल्कुल भी नहीं है बिफोर एग्जाम या एग्जाम के टाइम में आपको. ओके, सो अगर बात करें नेचुरल एनिमीज ऑफ पेस्ट की तो बोथ ऑफ दिस आपका आंसर हो जाएगा. यानी क्राइजोपर्ला कार्निया और ट्राइकोग्रामा स्पेशीज ये दोनों जो है नेचुरल एनिमी है कॉटन पेस्ट के. राइट, so says the right answer. Next question की तरफ फटाफट से बढ़ जाते हैं. Next question है आपका class of Trichorhiza insectulus is. ठीक है, देखो यहाँ पे दो चीजें देखो जो है यहाँ पे जो आ रहा है आपका क्या आ रहा है, class और ऑलरेडी आपको साइंटिफिक नेम दे रखा है तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए जो आपके इम्पोर्टेंट जो आपके क्रॉप के पेस्ट हैं, चाहे आपके स्टेपल फूड यानी राइस वीट के हो या फिर जो है आपके स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट हो या पल्स वगैरह के या ऑयल सीड के, भाई उनका नेम साइंटिफिक नेम क्लास तो भूलना ही नहीं है ना तुम लोगों को. तो यहाँ पे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो है किसका नाम है, ट्राइकोराइजा इंसेक्टुलस. देखो राइजा आ रहा है, ये तो समझ आ रहा है कि ये राइस का है. राइट, ओके, देखो इतना हिंट तो मिला है भाई.
अब जो है इसके आगे का हिंट मिलने वाला नहीं है आपको, ये चीजें तो आपको याद करनी पड़ेंगी, है ना। राइस का कप है, वो आपका पेस्ट है, ये समझ में आ रही है चीज, ठीक है। तो ये जो है आपका किसका नेम है, ये येलो स्टेम बोरर का, राइट। ओके, तो आपसे बस इसका पूछ रहा है कि ईमानदारी से बता देना आपको कि व्हाट इज द क्लास ऑफ येलो स्टेम बोरर। ओके, तो येलो स्टेम बोरर जो है आपके वो लेपिडोप्टेरा से बिलोंग करते हैं। इसमें कुछ समझाने वाली चीज नहीं है, बस खुद से फायदे से ईमानदारी से याद करने वाली चीज है, ठीक है। तो चाहे वो आपके क्लास हो या साइंटिफिक नेम, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और लेपिडोप्टेरा कोलिप्टेरा का तो आपको भाई जितने भी इंसेक्ट पेस्ट हैं भूलना ही नहीं है, गलती से भी उसे नहीं भूलना है। ओके, चलो, तो ये आपका हो गया क्लास ऑफ येलो स्टेम बोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्लास ऑफ निम्फ्यूला ड्यूपुंक्टालिस इज कोलियोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, हेमिप्टेरा, हेमो हो गया यार, हेमिप्टेरा, थोड़ा आजकल टाइपिंग मिस्टेक हो जा रहा है, ठीक है, हेमिप्टेरा या डिप्टेरा। ओके, फटाफट से बता दो व्हाट इज द क्लास ऑफ निम्फ्यूला ड्यूपुंक्टालिस इज। सॉरी, वन सेकेंड, हाँ तो हाँ चलो, ठीक है। अगर इसके क्लास की अगर अपन बात करें तो ये जो है आपका बिलोंग करता है लेपिडोप्टेरा से, राइट, ये आपका लेपिडोप्टेरा से बिलोंग करता है। तो इन चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये कब आपको पता लगेगा, जब आप इनका साइंटिफिक नेम जो आप इंसेक्ट पेस्ट है उनको याद रखोगे और कैटेगरी वाइज जो है क्लास को याद रखोगे। ओके, सो आपको ये बताना है क्लिपिंग ऑफ लीफ टिप्स राइट बिफोर ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग इन द केस ऑफ राइस फॉर द कंट्रोल ऑफ, ठीक है। ये एक तरीका अपनाया गया है, एक मेथड अपनाया गया है किसी इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने का, क्लिपिंग ऑफ लीफ टिप्स, ठीक है। तो ये कौन से इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया जाता है, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। जो लीफ के जो टिप हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, क्लिप कर दे रहे हैं, ओके, क्लिपिंग कर रहे हैं इनके। और ये कब कर रहे हैं, बिफोर ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग, यानी ये सीडलिंग स्टेज में जो है कोई इनमें से ऐसा इंसेक्ट पेस्ट है जो उसको हार्म कर रहा है और हम उसके कंट्रोल के लिए सीडलिंग स्टेज में ही उस प्लांट के जो लीफ टिप जो है, लीफ के जो टिप है उनको हम क्लिप कर रहे हैं। ओके, तो ये आपको देखने को मिलेगा राइस हिस्पा के कंट्रोल के लिए, ठीक है। जब आप इंसेक्ट पेस्ट ऑफ राइस आपने पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा इसके राइस हिस्पा के लिए, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ये मेथड हम उसके लिए यूज करते हैं ताकि वो कंट्रोल में आ जाए, ठीक है, क्योंकि वो यूजुअली आपको टिप पे मिलेंगे। ओके, चलो, क्लास ऑफ ऑर्सियोलिया ओराइजी इज, ठीक है। ये फिर से आपके सामने जो नाम साइंटिफिक नेम आया है, ये जानबूझकर ये साइंटिफिक नेम मैंने मेंशन किया ताकि आप लोग इसको इग्नोर नहीं करो, साइंटिफिक नेम को बिल्कुल ध्यान में रखो, ठीक है। ओराइजी का मतलब ये तो समझ आ गया कि रेयर राइस का है ये पेस्ट, पक्की बात है। ओके, तो ये आपको बताना है कि कौन है ये, ठीक है। तो ये आपका जो साइंटिफिक नेम है ये क्या है, आपका राइस बॉल मिर्च का साइंटिफिक नेम है, ओर्सियोलिया ओराइजी, राइस बॉल मिर्च का साइंटिफिक नेम है। अब आप फटाफट से ईमानदारी से बता दो कि ये कौन से जो है क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। तो राइस बॉल मिर्च के केस में हमें देखने को मिलेगा कि इसका जो क्लास हो जाता है वो डिप्टेरा हो जाता है। देखो, एक बात जो मैंने बताया बच्चों को क्लास में, मैं बताती रहती हूँ ट्रिक, कि देखो कई बार क्या होता है ना, हम भूल जाते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राइस कॉल मिर्च का डिप्टेरा है, इज ओके, बट कई बार हम लोग क्लास वगैरह भूल जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केस में अगर हम बात करें तो कोलियोप्टेरा लेपिडोप्टेरा तुम्हें देखने को मिलता है। तो जब कभी भूल जाओ ना तो तुक्का कोलियोप्टेरा लेपिडोप्टेरा में से ही लगाने की कोशिश करना, क्योंकि आमतौर से आपके ज्यादा इंसेक्ट पेस्ट आपको देखने को मिलेगा जो हमने पढ़ना है। ओके, और वैसे राइस कॉल मिर्च तो डिप्टेरा से है, इसको तो तुम लोग बिल्कुल ध्यान में ही रखना, भूलने की कोई जरूरत ही नहीं है, है ना। तो दिस इज द क्लास ऑफ राइस कॉल मिर्च डिप्टेरा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट ऑफ मेज इज, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट ऑफ मेज इज काइलोपार्टिलस एथरिगोना सेकाटा सिसेमिया, क्या है, इन्फेरेंस एंड ऑल ऑफ दिस,
मेज का मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फेस पूछ रहा है आपसे. ओके चलो फटाफट से जो है आंसर कर दो. मेज का पूछ रहा है ये जो भी क्रॉप आप लोगों के सामने इंक्लूड किए गए हैं भाई, इन क्रॉप को तुम लोगों को बिल्कुल भी हल्के में लेना ही नहीं है, ठीक है, ध्यान में तो रखना ही है. भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है कि नहीं यार इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा छोड़ देते हैं, ऐसा तो सोचना भी नहीं है तुम लोगों को. तो फटाफट से बता दो मेज के केस में मोस्ट डिस्ट्रक्टिव जो है आपके कौन से हो जाएंगे पेस्ट इनमें से, है ना. आपके जो मेज है या शुगर केन है जिसके, तो ये सब यार इम्पोर्टेंट है, इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है तुम लोगों को, ठीक है. चलो अगर बात करें मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट इन द केस ऑफ मेज, तो ये आपका क्या हो जाता है, काइलो पार्टिलस हो जाता है, राइट. इसको एक्चुअल में क्या कहते हैं भाई, सॉर्गम स्टेम बोरर. देखो जहां भी बोरर आता है ना बहुत खतरनाक, वो जो है इन्फेक्ट करके जाता है, इन्फेस्टेशन देकर जाता है प्लांट को, ठीक है. तो ये भी ऑलरेडी आपका बोरर है, स्टेम बोरर है. स्टेम बोरर की क्या पहचान है कि वो स्टेम को बोर करेगा, राइट. तो वो स्टेम बोरर है. तो इसका जो नेम है ना सॉर्गम स्टेम बोरर या मेज स्टेम बोरर दोनों कहते हैं. और यहाँ पे मैंने मेज डिस्कस किया, लेकिन एक्चुअल में ये मेज और सॉर्गम दोनों का जो है मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट है, यानी सॉर्गम मेज और दोनों के केस में अच्छा खासा डिस्ट्रक्शन करता है, ठीक है. डेड हार्ट का फॉर्मेशन जो है इसके केस में आपको देखने को मिलता है. तो ये सब जो इनके लिए इंपॉर्टेंट टर्म है उसको आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना है, राइट. फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंसेक्ट पेस्ट ऑफ मस्टर्ड. मस्टर्ड जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑयल सीड क्रॉप में जो आ जाता है. आपको बताना है कि कौन सा इंसेक्ट पेस्ट जो है इसमें से नहीं है मस्टर्ड का, राइट. पेंटेड बग है, मस्टर्ड एफिड है, मस्टर्ड सॉफ्ट फ्लाई है, रेड हेरी कैटरपिलर है, ठीक है. थोड़ा सा दिमाग तो लगाओगे तो यहाँ पे जो है आपका दो क्वेश्चन, दो तो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, मस्टर्ड एफिड, मस्टर्ड सॉफ्टफ्लाई, पक्की बात है ये तो दो आपके हैं. अब 50-50 वाला ऑप्शन आ जाता है. फटाफट से बता दो पेंटेड बग और रेड हेरी कैटरपिलर के बारे में कि ये इन दोनों में से कौन सा नहीं है. ओके सॉरी चलो फटाफट से कर लो क्वेश्चन को, ठीक है. अगर बात करें इंसेक्ट पेस्ट ऑफ मस्टर्ड के बारे में, जब तुम लोगों ने अगर इसे ईमानदारी से पढ़ा होगा तो आपका पेंटेड बग तो एक नंबर पे आता है. तो पेंटेड बग भी आपका मस्टर्ड का जो है आपका पेस्ट है, राइट. मस्टर्ड एफिड तो है, ये सॉफ्टफ्लाई तो है, ये सब जो आपके मेजर पेस्ट आ रहे हैं, राइट. ये जो है आपका ये स्वीट पोटैटो का पेस्ट है भाई, रेड हेरी कैटरपिलर. ओके स्वीट पोटैटो का पेस्ट है, तो ये आपका जो है मस्टर्ड का पेस्ट नहीं है. सो डी इज द राइट आंसर. चलो लॉ ऑफ टॉलरेंस आपको बता देना है स्मूथली कि ये किसने दिया था, कौन से साइंटिस्ट ने दिया था. एंटोमोलॉजी की बात आती है तो कुछ साइंटिस्ट तो आपको मिलेंगे इसमें भी. पैथो में तो हमने बहुत साइंटिस्ट पढ़ा, लेकिन जो है एंटोमो में हम नंबर ऑफ साइंटिस्ट कम पढ़े हैं, राइट. तो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं. लॉ ऑफ टॉलरेंस वॉज गिवन बाय कोमल, प्रगति, नसरीन, मयंक, विपिन. चलिए बहुत बच्चे यहाँ पे आंसर कर रहे हैं और बहुत सही आंसर कर रहे हो यार तुम लोग, मतलब प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी बात है, है ना. तो अगर बात करें लॉ ऑफ टॉलरेंस की, तो ये आपका क्या हो जाता है, वी शेलफोर्ड हो जाता है. नसरीन अकबर ने आंसर किया, गुड, वेरी गुड, ठीक है जी. इन्होंने जो है 1913 की बात है भाई, क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था क्या, ऐसा कुछ आई थिंक ऐसा ही कुछ था. चलो कोई नहीं, तो वी शेलफोर्ड है ना इसके. ओके तो ये जो है आपके, सॉरी यार गलत टिक हो गया, 1913 की बात है. तो लॉ ऑफ टॉलरेंस बस इसको ध्यान में रखना थोड़ा, और वो नहीं ज्यादा पूछ रहा है, वो तुमसे बस ये पूछेगा कि लॉ ऑफ टॉलरेंस ईमानदारी से बता दो किसने दिया था, तो वी शेलफोर्ड, यानी इज द राइट आंसर, गुड, बहुत बढ़िया, प्रगति, कोमल, नसरीन,
गुड गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। द प्रोडक्शन ऑफ लाइट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको जो है ये रिमाइंड कराना मुझे बहुत जरूरी था, क्योंकि आमतौर से हम लोग इग्नोर करके कुछ टेक्निकल टर्म को निकल जाते हैं, लेकिन इंसेक्ट के केस में और आपको खासतौर कोलियोप्टेरा के केस में देखने को मिलता है, तो आपको बताना है इसके लिए कौन सा टेक्निकल टर्म हम लोग यूज करते हैं। अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, इंसेक्ट से प्रोडक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, वो चमकीला दिख रहा है, तो आप कौन सा टर्म यूज करोगे? बायोलैमिनेट, लाइटिंग ऑर्गेनिज्म, बायोल्यूमिनेसेंस या ननो ऑफ दिस? ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई? गुड, बहुत बढ़िया कोमल नसरीन, है ना? तो सी इज द राइट आंसर, बायोल्यूमिनेसेंस। कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। ओके, और जो फैमिलीज जो कोलियोप्टेरा के अंतर्गत जो फैमिलीज आती हैं, उसमें आपको ये चीज देखने को मिलेगा। ओके, सो प्रोडक्शन ऑफ लाइट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस। चलो बहुत बढ़िया, मंजूर ने भी आंसर किया यहाँ पे, गुड। चलो, सो द टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेथ रेट, कॉजेस ऑफ डेथ, चेंजेस ऑफ सर्वाइवल एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज कॉल्ड, ये एक डेफिनेशन है। आप बता दो कि इसके लिए तुम कौन सा टेक्निकल टर्म यूज करोगे, मतलब तुम नहीं करोगे, मतलब एंटोम में कौन सा टेक्निकल टर्म या साइंस में से दिया गया है जिसे हमें यूज करना है। प्रेजेंटेशन लिस्ट, प्रेजेंटेशन टेबल, लाइफ टेबल इन एन ऑफ दिस। ध्यान से देख लो क्वेश्चन को, क्वेश्चन बड़ा होगा तो घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। ओके, क्वेश्चन बड़ा इज ओके, वो क्वेश्चन तो और इजी होता है जो बड़ा क्वेश्चन होता है। ओके, सो क्या है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन उसमें करेंगे, है ना, टेबल बना के कर रहे हैं, राइट। उसमें डेथ रेट आपको दिखाया जाएगा, काउजेस ऑफ डेथ दिखाए जाएंगे, है ना, और सर्वाइवल एंड एक्सपेक्टेंसी भी दिखाया जाएगा, उनका चेंजेस, उनको हम क्या कहेंगे भाई, लाइफ टेबल कहेंगे ना। प्रगति, कोमल, नसरीन, मंजूर, गुड, बहुत बढ़िया, लाइफ टेबल कहेंगे, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है बच्चे। ओके, डन, लाइफ टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द ग्रुप, द स्टडी ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स कंप्राइजिंग डिफरेंट स्पीशीज इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, है ना, ऐसी चीज की आपको स्टडी करनी है जिसमें हम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उनका जो है उसके अंतर्गत आपके डिफरेंट स्पीशीज आ जाएंगे और उनका रिलेशन उनके एनवायरनमेंट से होगा, उसे अपन क्या कहेंगे, सिनेकोलॉजी, नाइकोलॉजी, बायो इकोलॉजी या ऑल ऑफ दी, सारा ही कुछ कह सकते हैं क्या? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। नसरीन अकबर ने सही आंसर किया है, गुड, है ना, क्या हो जाता है इसको अपन क्या कहते हैं, सिनेकोलॉजी कहते हैं ना, सिनेकोलॉजी कहते हैं, राइट। यहाँ आपके ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे, राइट, और डिफरेंट स्पीशीज उसमें प्रेजेंट हैं, एंड उसमें स्टडी क्या कर रहे हैं कि उनका हम रिलेशन निकाल रहे उनके इन्वायरमेंट से, उसे अपन सिनेकोलॉजी कहते हैं, राइट, नाइकोलॉजी बिल्कुल भी नहीं कहते हैं और बायोमेकोलॉजी तो कहते ही नहीं है। ओके, चलो सिनेकोलॉजी, गुड। चलो नेक्स्ट है आपका, पायरिला परप्यूसिला इज साइंटिफिक नेम ऑफ, ईमानदारी से बता दो, ठीक है, पायरिला परप्यूसिला, क्रॉप बोरर, शुगर केन, लीफ बोरर, कॉटन बग या जो है आपके अमेरिकन बॉलवर्म। है ना, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने की बहुत खास वजह है, वो आंसर कर लो तो मैं फटाफट से बता दूंगी, राइट। पायरिला परप्यूसिला क्या है, कोमल, नसरीन, गुड, गुरम, है ना। चलो देखो यहाँ पे क्या है ना, ये जो है इसको डिस्कस करने की बहुत खास वजह है, क्या है, सबसे पहले तो वो बता देते हैं, शुगर केन लीफ हॉपर है, आप सबको पता है, बहुत बढ़िया। देखो ये जो है ना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट आपका पेस्ट है, शुगर केन के केस में क्या करता है ये, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को डाउन करता है, राइट, दोनों को ये रिड्यूस करता है। क्वांटिटी की अगर अपन बात करें तो 35% तक देखा गया प्रोडक्शन में लॉस, क्वालिटी की बात करें तो ये क्या करता है,
कि लीफ पे जाकर के लीफ पे जाता है और वहां से वो सक्करना जब शुरू करता है तो वो जो है शुगर को सक्करना शुरू करता है और आपके शुगर केन की क्वालिटी कुछ रहती ही नहीं है यार, उसमें से प्रॉपर शुगर जो है जूस, शुगर जूस जो है निकल पाए, राइट। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को रिड्यूस कर रहा, खतरनाक है ये शुगर केन लीफ हॉपर। दैट्स वाई इसका साइंटिफिक नेम आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ओके, सो पायरिला पर्पुरा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ शुगर केन लीफ हॉपर। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पेस्ट ऑफ शुगर केन। So, which of the following is not pest? Fungi, virus, birds, insects, and rodents? None of these. Fatafat, which of the following is not pest? फटाफट आंसर करो भाई। चलो, है ना, नसरीन ने पहले आंसर किया। देखो पेस्ट की बात हो रही है ना, पेस्ट का जो आप लोगों का डेफिनेशन है, पेस्ट का जो इनके क्राइटेरिया है वो आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए ना। तो देखो आंसर तो आपका नन ऑफ दिस हो जाएगा क्योंकि ये सारे पेस्ट हैं, राइट। पंजाई, वायरस, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स, गुड। और पेस्ट के लिए क्राइटेरिया जो आपको याद रखना है वो क्या है आपका, कि ऑल इंसेक्ट्स आर नॉट पेस्ट, राइट। ऑल इंसेक्ट्स आर नॉट पेस्ट, यानी जितने इंसेक्ट हैं वो सारे जो है क्रॉप को हार्म नहीं करते हैं, क्रॉप को जो है इन्फेक्ट नहीं करते हैं, तो आपके सारे के सारे पेस्ट तो नहीं होंगे। एंड ऑल पेस्ट आर नॉट इंसेक्ट, राइट। सो ये जो दो क्राइटेरिया, इसको ध्यान में रखना है कि जितने पेस्ट हैं यानी जो भी क्रॉप को हार्म करे उसमें सारे इंसेक्ट नहीं है, उसमें आपके फंजाई भी है, वायरस भी है, रोडेंट्स भी है, बर्ड्स भी है, तो वो सब है, तो आपके पेस्ट भी है, राइट। देखो यार तुम लोग बिल्कुल भी गलत मत करना, जैसे बच्चे यहाँ पे ए आंसर कर रहे हैं फंजाई वायरस, ये भी आपके पेस्ट कहलाएंगे। पेस्ट का डेफिनेशन क्या है फिर से एक बार देख लो, दैट्स वाई मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया। भूल ही जाते हैं हम लोग, इतना पेस्ट पढ़ते हैं भूल जाते हैं कि पेस्ट होता क्या, राइट। पेस्ट वो है कि इंसेक्ट्स, राइट, एंड एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इन्फेक्ट प्लांट और हार्म ह्यूमन हेल्थ, राइट। देखो यहाँ पे पेस्ट की डेफिनेशन क्या आ रही है कि ह्यूमन हेल्थ को भी कोई हार्म कर रहा है तो हम उसे अपने एंटोमोलॉजी के टर्म में पेस्ट कह सकते हैं, राइट। ये इन चीज को ध्यान में रखना। सो पेस्ट्स आर क्या हो जाते हैं आपके, पेस्ट आपके क्या क्या हो जाते हैं भाई, फंजाई भी हो जाएंगे, वायरस भी हो जाएंगे, नेमाटोड भी हो जाएंगे, बर्ड्स भी हो जाएंगे, कुछ बर्ड जो है हार्म करते हैं, रोडेंट्स तो होते ही हैं आपके, है ना, तो ये सब हो जाएंगे आपके, इंसेक्ट्स तो होते ही हैं। तो यही ये जो है ना एग्जामिनर का फेवरेट ये सब स्टेटमेंट है, तो ध्यान में रखना थोड़ा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एफेस्टिया कॉटेला इज इंटरनल फीडर, एक्सटर्नल फीडर, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ये क्या है भाई, पेस्ट है, इतना तो समझ में आ रहा है, पेस्ट है, ये इंसेक्ट पेस्ट है, पक्की बात। उसका साइंटिफिक नेम दे रखा है, ये भी समझ आ रहा है। आपको बताना है कि ये कौन सा जो है इंसेक्ट पेस्ट है। चलो ये भी नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बस तुम बता दो इंटरनल फीडर होता है या एक्सटर्नल फीडर होता है, ठीक है। देखो एफेस्टिया कॉटेला की बात करें तो ये आपका क्या है भाई, आलमंड मॉथ है। उसका साइंटिफिक नेम क्या है, एफेस्टिया कॉटेला, ओके। और ये जो है आपके एक्सटर्नल फीडर होते हैं। एक्सटर्नल फीडर क्या होता है भाई, कि जो भी आपका ग्रेन है, सीड है, उसको ये बाहर से खाना शुरू करेगा। और कुछ आपके इंटरनल फीडर होते हैं, वो आराम से लार्वल स्टेज में ही अपना सीड के अंदर गए, यहाँ जाके बैठे हैं और इसको अंदर अंदर खाना शुरू करेंगे। पल्स के केस में, स्टोर्ड ग्रेन के केस में हम लोगों ने देखा है वो चीज, तो इसको अंदर अंदर खाएंगे और बाहर से शेल बच जाएगा। तो ये अंदर से बाहर की तरफ आते वाते वो आपके इंटरनल है, ये एक्सटर्नल फीडर है, राइट।
So is the right answer? Okay. Done. चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं. राइजो पर था डोमिनिका इज पेस्ट ऑफ. फटाफट से बता दो कि ये जो आपका राइजो पर था डोमिनिका है, ये जो है किसका पेस्ट है? वीट का, राई का, ज्वार का या ऑल ऑफ दीज है? वीट, राई, ज्वार, राइजो पर था डोमिनिका की बात हो रही है ना? राइजो पर था डोमिनिका की बात हो रही है भाई. ठीक है, राइजो पर था डोमिनिका आपका क्या है? लेजर ग्रेन बोरर है ना. और ये जो लेजर ग्रेन बोरर है ये आपका क्या हो जाता है? वीट, राई, ज्वार, ये सबका पेस्ट है. यानी ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर. डी इज द राइट आंसर. साइंटिफिक नेम ऑफ लेजर ग्रेन बोरर इज राइजो पर था डोमिनिका. राइट. So what is the class of gram cut worm is? Class of gram cut worm is Lepidoptera, Coleoptera, Hemiptera or Diptera? Okay. ठीक है, अगर बात करें class of gram cut worm की तो ये आपका क्या हो जाता है? Lepidoptera हो जाता है. रटने वाली चीज है ये, और इसको जो है ध्यान से ट्रिक से याद करो और रिवीजन करो. रिवीजन करने से नहीं भूलोगे, एक बार पढ़ के छोड़ोगे भूल जाओगे. नसरीन गुड आंसर कर रही है यहाँ पे नसरीन. ओके, सो क्लास ऑफ ग्राम कट वॉर्म इज लेपिडोप्टेरा इज द राइट आंसर. ओके, सो आपके सेशंस चल रहे हैं ऑलरेडी. कोशिश की जा रही है कि जो भी आपके जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, वो आप लोगों से डिस्कस किया जाए. कोशिश करो आप लोग सेशन को अटेंड करने की. जो लोग सेशन को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, बाद में जाओ फास्ट फॉरवर्ड में देख लो सेशन को, लेकिन देखो. क्योंकि सिर्फ पढ़ने से, नोट्स बनाने से, रटने से बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला है. जितना ज्यादा आप नंबर ऑफ रिविजन करोगे, सॉरी MCQs करोगे, नंबर ऑफ MCQs, तभी आपका जो है कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और जो है आपकी रिविजन भी चलती रहेगी. कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा MCQs करने की. आपके पास जो भी आपके प्रेजेंट हैं ऑलरेडी, जो अपलोडेड वीडियो MCQs के आपके YouTube सेशन में हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा जाओ और करो. एक बार करो, दो बार करो, करो इसलिए ताकि जो है आपकी MCQs अगर हो चलती रहेंगी. आप अगर कुछ चीज भूल भी रहे हो जिसका रिवीजन नहीं हुआ है, तो फिर वहां से भी तुम एक एक MCQ से तीन चार क्वेश्चन निकाल के अपना रिवीजन मार लोगे. अच्छा, इसका ये होता है. तो ये सब तरीका है भाई, लास्ट मोमेंट में, लास्ट टाइम में बहुत जरूरी होता है. हमें एग्जाम से पहले, जो हमारे एग्जाम के एक आध हफ्ते बचते हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखो, स्ट्रेस मत लो. वेलकम नसरीन. और जो है स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लो, और रिविजन सिर्फ मत करो, MCQs को बार बार करो. सिर्फ रिविजन करने से कुछ नहीं होने वाला है. आमतौर से हम लोग यही गलतियां करते हैं, रिविजन करते हैं, नोट्स बनाते हैं, रिविजन करते हैं, नोट्स बनाते हैं. कुछ नहीं होने वाला जब तक तुम लोग MCQs नहीं करोगे, है ना. MCQs करो और जो है कोशिश करो एग्जाम के प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करने की. चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, गुड बाय.